नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से अपनी बागवानी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में लेकर आती हूं कि अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और या भी आपने गार्डनिंग शुरू की है, तो ऐसे में आप कुछ घरेलू नुस्खे यूज़ करके कैसे जो है मिली बग्स होता है, एक कीड़ा होता है जो हमारे प्लांट्स में लग जाता है, जो नई नई ब्रांचेस हमारी निकलती हैं, इसको रस चूसक कीड़ा भी बोलते हैं। यहाँ अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए, यहाँ पर ये लगा हुआ है गुड़हल में। तो सबसे ज़्यादा इस जो कीड़े की समस्या होती है, इसको मिली बग बोला जाता है। और ये बिल्कुल प्लांट की जो पत्ते होते हैं उनका रस चूस लेता है। इसकी वजह से चींटियां भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं हमारे प्लांट में, और हमारा प्लांट एट लास्ट इस जो मिली बग की वजह से ये इतनी तेज़ी से फैलता है, और इसकी वजह से हमारे जो प्लांट हैं वो मर भी जाते हैं। हालांकि मेरे प्लांट में सभी मैक्सिमम जो प्लांट हैं वो सभी आप देख पाएंगे तो हेल्दी प्लांट हैं बिल्कुल, और किसी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे समस्या पैदा होती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढूंढने के बाद ये सिर्फ एक मिली बग मेरे पूरे गार्डन में मिला है, और जिसको लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस टाइप की अगर होती हैं, जैसे आप जांच करते हैं अपने प्लांट की, तो एक अगर आपके इसमें, जैसे मेरे इसमें तो सिर्फ एक लगा हुआ है, तो मैं सिर्फ इसको सिंपली हाथ से हटा दूँगी या तेज़ प्रेशर से इसको साफ़ कर दूँगी। तो काफ़ी बहनों भाइयों की शिकायत रहती है कि हमारे गार्डन में जो हैं सफ़ेद कीड़े लगे हुए हैं, मिली बग्स लगे हुए हैं, उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका एक घरेलू उपाय जो बिल्कुल फ्री में आप अपने घर में से ही निकाल के अपने इन मिली बग्स को ख़त्म कर सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, तो उसी को लेकर आज मैं इस वीडियो में आई हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला दोस्तों, हमारा जो उपाय है बिल्कुल फ्री का जो उपाय है वो ये है कि आपको ऐसे 1 लीटर पानी लेना है, और इस टाइप से ये केरोसिन ऑयल लेना है। केरोसिन ऑयल गांव वगैरह में बहुत आसानी से मिल जाता है, हालांकि मुझे बहुत मुश्किल से ही मिला है। तो ये देखिए, इसकी सिर्फ आपको 4 बूंदें डालनी हैं, और ये देखिए बिल्कुल ये इतना सा, ये 4 बूंदें हैं जो मैं इस पानी में इसको डाल के रख रही हूँ। और इसको आपको जो डाल के रखना है वो 12 घंटे के लिए इसके अंदर रखना है, इसको बंद करके रख देना है आपको पानी के अंदर। मैं स्प्रेयर के अंदर रख रही हूँ, लेकिन आपको किसी भी बोतल के अंदर इसको रखना है। 12 घंटे के बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसको आप डायरेक्ट पेड़ों पर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपका जो प्लांट होता है उसमें आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपके जितने भी कीड़े वगैरह होंगे वो सभी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे पेड़ में कोई भी कीड़ा नहीं है, तो मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप से आपको तेज़ धार से उसको क्लीन करना है। मैं दोस्तों, जो केरोसिन की मैंने मात्रा आपको बताई है, ये आपको 4 बूंद से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका प्लांट जल जाएगा, इसलिए ये आपको मात्रा का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार में अगर आपके मिलीबग नहीं जाते हैं तो आप 2-3 दिन के बाद फिर से इसको स्प्रे को करिए, और फिर उसके बाद 1 या 2 बार के बाद आपके जो मिलीबग हैं वो पूरी तरह से चले जाएंगे, इवन जो चींटियाँ भी होती हैं वो भी चली जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, कि अगर हमारे पौधे में मिली बग लगे हुए हैं, तो अगर वो दूसरे पौधों के साथ रखा हुआ है, तो सबसे पहले उसकी जो जगह है वो आप बदल दें, उसको बिल्कुल साइड में कर दें, ताकि जो दूसरे पौधे हैं वो उनमें इन्फेक्शन ना पहुंच पाए, कीड़े दूसरे पौधे जो हैं कम से कम वो मिली बग लगने से बच जाएँ। तीसरा तरीका है दोस्तों कि कई बार जो मिली बग्स होते हैं वो यहाँ पर, क्योंकि ये जो होती है हमारी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, और यहीं पर उनका जो आक्रमण करना होता है या उनका जो शिकार होता है, यही इसी टाइप की सॉफ्ट ब्रांचेस या पत्ते बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपक जाती हैं, तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपक जाती हैं और उनको साफ़ करना जो है पॉसिबल ना हो, तो आप कैंची की सहायता से कैंची को साफ़ कर लें, और यहीं से पूरी जो ब्रांच है, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप पूरी ब्रांच को काट दें यहाँ से, और उसको काट के कहीं दूर डस्टबिन में फेंक दें या फिर जला दें। और दोस्तों, अगला तरीका है कि आपको गुनगुना पानी लेना है, इस टाइप से उसको स्प्रेयर में भरना है, और उसको
जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो नोब होती है, जब आप इसको ढीला करेंगे तो ये देखिए तेज़ प्रेशर होता है, ये देखिए ये तेज़ प्रेशर होता है। तो इस गुनगुना पानी जो होता है, जब आप तेज़ प्रेशर के साथ ऐसे प्लांट में मारते हैं या मिली बक्स के ऊपर मारते हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर जाते हैं, इवन चींटियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों अगला उपाय है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें ये देखिए बर्तन साफ करने वाला लिक्विड वॉश है, ये देखिए ये 2 चम्मच आप इसमें डालिए, ये 2 चम्मच डालना है हमें, और इसको अच्छे से मिलाकर और पेड़ों के ऊपर स्प्रे करना है। उसके बाद जब आप ये स्प्रे कर देंगे, ये देखिए इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी और इसको दोस्तों अच्छे से तेज़ प्रेशर के साथ जहाँ पर भी आपके मिली बग लगे होते हैं वहाँ पर ऐसे आपको स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, मिली बग्स जो हैं वो उनकी जो वैक्सी कोटिंग होती है वो निकल जाएगी और जो मिली बग्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो आपके प्लांट को नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से भी प्लांट को धो सकते हैं। और दोस्तों एक तरीका ये है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है, ये देखिए स्प्रेयर में 1 लीटर पानी है, उसमें आपको 1 चम्मच नीम ऑयल मिलाना है। ये मेरे पास नीम ऑयल है जो मैं इस पानी में मिला रही हूँ, और आधी मात्रा में, इसकी आधी मात्रा में आपको डिश वॉश लेना है, डिश वॉश लिक्विड लेना है, शैम्पू भी आप ले सकते हैं, ये देखिए आधी मात्रा में लेना है, और इसको अच्छे से मिलाकर इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से इसका जो कलर है वो हो जाएगा, और इसको जहाँ पर भी जिस भी जगह पर आपके मिली बक्स लगे होते हैं उस पर आपको तेज़ प्रेशर के साथ में अच्छे से पेड़ को अच्छे से धुलना है। पत्तियों के नीचे भी कई बार उनके अंडे होते हैं, तो इस टाइप से पूरे पेड़ को धुल देना है। और दोस्तों नीम ऑयल और लिक्विड वॉश का जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है, लिक्विड बनाया है, इसको आपको मिट्टी में भी इस तरीके से जो है स्प्रे करना है, क्योंकि मिट्टी में भी हमारे मिली बग्स के अंडे होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होकर पेड़ों के ऊपर तक आ जाते हैं, तो अच्छे से आपको पूरे पेड़ को नहलाना है। तो दोस्तों ये है हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे घरों में हो रहा है, तो आप ये भी बिल्कुल फ्री में लगभग सभी घरों में आजकल मिल जाएगा। तो जिस भी सैनिटाइज़र में रबिंग अल्कोहल 70% होता है, जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि यहाँ 70% अल्कोहल है, उसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कॉटन लेना है। अगर आपकी ब्रांच के ऊपर ये देखिए इस टाइप से ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया है कॉटन के ऊपर, और जहाँ पर भी आपके जिस भी पार्ट पे बहुत ज़्यादा, जैसे क्योंकि यहाँ पर तने में बहुत ज़्यादा जब लग जाते हैं मिली बग्स, तो आपको इस टाइप से हल्के हाथ से उनको हटा देना है कॉटन की सहायता से, क्योंकि मेरे प्लांट में है नहीं तो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन इस तरीके से आप कॉटन में लेके आराम से हटा सकते हैं। और दोस्तों देखिए कॉटन की सहायता से, ये कॉटन में जो रबिंग अल्कोहल हमने लगाया है, अगर इसकी सहायता से आपके पेड़ों के जो मिली बग्स हैं वो हट नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, बिल्कुल कई बार तो बहुत ज़्यादा भर भर के लग जाते हैं जो बिल्कुल हटा पाना मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप क्या करें कि एक पार्ट रबिंग अल्कोहल ले लें और एक पार्ट जो है वाटर का ले लें, आधा रबिंग अल्कोहल और आधा पानी ले लें। ऐसे में उसको उसका स्प्रे बनाकर, जैसा कि मैं बताती हूँ कि इस टाइप से दोनों को बराबर मात्रा में स्प्रे करके, और आप पूरे पेड़ के ऊपर उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केमिकल साइड पर जाना चाहते हैं, तो देखिए इमीडा क्लोप्रिड नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है, जिसको आप 1 लीटर इस टाइप से स्प्रेयर में डालकर, 1 लीटर में आपको 2 ml डालना है, और उसको अच्छे से इस तरीके से मिला के पूरे पेड़ के ऊपर स्प्रे कर देना है। उससे भी आपके जो मिली बग हैं वो हट जाते हैं, इवन आप जो मिट्टी होती है उसमें भी अच्छे से स्प्रे कर दें, और क्योंकि मिट्टी में भी इनके अंडे होते हैं जो बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर आपके पेड़ को ख़राब कर देते हैं, तो मिट्टी में भी आप कर दें, जो अंडे होते हैं वो भी मर जाते हैं साथ साथ, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सबके घरों के आसपास पार्कों में इस टाइप से ये नीम की पत्तियां मिली जाती हैं, तो आप ये फ्रेश पत्तियां ले आएं और इन पत्तियों में लगभग 2 मुट्ठी जो पत्तियां होते हैं इस टाइप से, 2 मुट्ठी पत्तियों में को आप मिक्सी वगैरह में या जो भी आपके पास कूटने का चीज़ हो
उसमें 1 कप या 2 कप पानी डालकर आप इसको कूट लें। उसके बाद वो जो रस निकलता है हमारी पत्तियों का, उसमें आप 4 से 5 गुना पानी मिलाकर उसका अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं पत्तियों को अगर आप पानी में उबाल लेते हैं, और जैसे आपने 1 लीटर पानी में 3-4 मुट्ठी जो है ये पत्तियां उबाल ली हैं, तो जो पानी आपका बच जाता है वो लगभग वो आप स्प्रेयर में डालकर उसका उसको ठंडा करके उसको स्प्रेयर में डालकर आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो अगला तरीका है दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री का है, सभी के घरों में वॉशिंग पाउडर या शैम्पू वगैरह सभी अवेलेबल होते ही हैं। अगर नहीं भी होते तो छोटे से पाउच हम 1 रुपये का 2 रुपये का लाकर अपने घर में जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच अगर आपको शैम्पू मिलता है या वॉशिंग पाउडर मिलता है, जो भी मिलता है, वो आप अपने पानी में घोल लें और उसका अच्छे से पूरा पत्तियों के नीचे और जहाँ जहाँ, देखिए मेनली जो मिली बग्स होते हैं वो इस कोमल पार्ट पे होते हैं, सॉफ्ट पार्ट उनका शिकार होता है, तो यहीं पर वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो उसको पेड़ को अच्छी तरह हमें नहला देना है और पत्तियों के नीचे मेनली करना है। तो अच्छे से आप पेड़ को नहला दें तो उससे भी हमारे जो मिली बग्स हैं वो चले जाते हैं। दोस्तों ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो आपको आसानी से जो मेडिकल की जो शॉप होती हैं उन पर मिल जाएगा। इसका भी हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, तो ये भी मिली बग्स भगाने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वांटिटी होती है इसकी, ये 6.5% है। अगर ये 3% भी आता है, अगर आपको 3% मिलता है तो आप 1 लीटर पानी में 6 ml यूज़ करें, और अगर आपको ये 6% वाला मिलता है तो आप 1 लीटर पानी में 3 ml ओनली यूज़ करें, क्योंकि 6 ml 6% वाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी क्वांटिटी आप कम मात्रा में यूज़ करें। तो उस तरीके से आप 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से जो है पौधों को पानी उसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं आप। इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जड़ों में जो हमारे मिली बग के अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी मर जाएंगे, और जब आप इसको इस पानी को मिक्स करके ऊपर स्प्रे करते हैं तो उससे भी आपके जो इस मिली बग है वो मर जाते हैं। और दोस्तों आखिरी जो पॉइंट है वो है मेरा कि हमारे घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीज़ मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके और हमारे घरों में नॉर्मली चावल खाया जाता है, चावल उबाला जाता है, तो चावल जब भी आप उबालते हैं तो उसमें नमक नहीं डालना है, आपको नॉर्मल उबालना है, उसका जो माड़ निकलता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके घर में माड़ निकलता है उसको 500 ml पानी में, लगभग 1/2 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम के करीब चावल का जो पानी है वो डालना है। उसमें आपको उसको अच्छी तरह से सूती कपड़े में आपको छानना है, किसी भी प्रकार का पार्टिकल, ताकि स्प्रेयर में अटके ना। तो उसको आपको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे करने से पहले प्लांट को अच्छी तरह से धो लें। इसके साथ साथ, क्योंकि मिली बग्स के साथ हमारे पेड़ों पर चींटियाँ भी आ जाती हैं, वो मिली बग्स के अंडों के कैरियर का काम करती हैं, तो चींटियाँ भगाने के लिए आप उस जो 500 ml जो स्प्रेयर है उसमें आप थोड़ा सा 5 ml के करीब सिरका डाल दें, और सिरका डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे चींटियाँ भी आपकी भाग जाएंगी। तो दोस्तों मिली बग्स को अपने पौधों से हटाने के मैंने आपको कुछ घरेलू उपाय बताए, जो आप और हमारे सभी के घर में आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, उनका यूज़ करके हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं, मिली बग्स से को भगा सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।